everyone i am aradhna from learn oh hub a free learning platform where you can learn math science sst absolutely for free at learnhub.com

किसी भी नंबर का किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर क्या होता है फैक्टर वो नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे मतलब उसका जब हम डिवीज़न करें तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए ऐसे नंबर्स को हम उस गिवन नंबर के फैक्टर कहते हैं ठीक है अब देखिए ये तो हो गई हमारी फैक्टर की डेफिनेशन अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ रखी होंगी क्या वो भी मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर है वो बाई डिफॉल्ट वन होता ही है क्यों होता है क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है नंबर इट्स तो ठीक है चलिए बाई डिफॉल्ट हमारा वन तो होना ही है एक और प्रॉपर्टी है वो भी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं वो क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को उसी गिवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है वन तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी भी गिवन नंबर का वो होता है नंबर इट मतलब कि जो गया नंबर जैसे हमें वो मिल जाता है हम कह देते हैं कि और कोई भी फैक्टर अब इस नंबर का हो ही नहीं सकता इसीलिए हमेशा जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और लास्ट फैक्टर जो होता है हमारा किसी भी नंबर का वो हो जाता है नंबर इट जो कि नंबर दिया हुआ है तो चलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं फैक्टर्स फाइंड करने जो हमें गिवेन नंबर से तो आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे जो कि है ट्वेंटी फोर अब देखिए जब हम ट्वेंटी फोर की बात करते हैं तो वन और सबसे बड़ा तो हो गया ट्वेंटी फोर नंबर इट्स ठीक है अब हम आ जाते हैं इसके बीच के नंबर में तो देखिए कैसे लिख सकते हैं सारे के सारे फैक्टर्स जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो वन तो हो गई और वन के साथ क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा तो आंसर हमारा आएगा ट्वेंटी ही तो एक फैक्टर तो यही हो गया ठीक है दूसरा देखिए अब हमने नेक्स्ट नंबर लिया अब क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हम डिविजिबिलिटी रूल्स भी फटाफट यूज़ कर लेते हैं कि कोई भी नंबर्स जो है वो जीरो टू फोर सिक्स एट एंड होता है तो वो ऑलवेज डिविजिबल होता है टू से तो देखिए डेफिनेटली ये टू से भी डिविजिबल होगा राइट right. और जैसे ही हम इसको टू से डिवाइड करेंगे हमारा क्वेश्चन आएगा ट्वेल्व तो जो हमारा क्वेश्चन और डिवाइजर होता है उसको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाता है तो यहाँ भी हमको फटाफट दो फैक्टर्स पता चल गए अब हम जाते हैं थ्री पे तो देखिए थ्री से हम इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा एट सिमिलरली और थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर आप मल्टीपल से भी पता कर सकते हैं अब हम आ गए फोर पर फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर ठीक है अब देखिए अब अब हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा फाइव फाइव इसको डिवाइड नहीं करेगा सिक्स हो ही गया सेवन डिवाइड नहीं करेगा एट हो ही गया नाइन डिवाइड नहीं करेगा टेन डिवाइड नहीं करेगा इलेवन नहीं करेगा ट्वेल्व हो ही गया ठीक है अब देखिए ट्वेल्व के बाद हम थर्टीन पर गए तो क्यों नहीं लेंगे थर्टीन को देखिए थर्टीन का सेकेंड मल्टीपल ही क्या है थर्टीन टूजा ट्वेंटी सिक्स और हमारा नंबर क्या है गिवन ट्वेंटी फोर तो जब टूजा ही ट्वेंटी सिक्स आ गया तो ऑब्वियसली उसके आगे आने वाले नंबर्स में ट्वेंटी फोर नहीं आना है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा लास्ट फैक्टर होगा वो आ चुका है नंबर इट्सल अब फटाफट हम इसके सारे फैक्टर्स को लिख लेते हैं तो देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे तो देखिए बच्चों मैंने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए एक बात हमेशा याद रखिए अगर किसी भी नंबर में आपका कोई भी फैक्टर रिपीटेड होता है तो जब हम उसके सारे के सारे फैक्टर्स लिखते हैं तो उसमें वो नंबर हम केवल एक ही टाइम लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए फोर किसी भी वजह से दो टाइम आ गया लेकिन हम जब उसके फैक्टर्स को लिस्ट आउट करेंगे तो हम उसको केवल एक ही बार लिखेंगे आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा अब हम फटाफट करते हैं इसके सारे के सारे पार्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन फटाफट इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे तो देखिए बच्चों इसके फैक्टर्स बहुत ही आसान है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऑड नंबर है तो ये तो हमें पता ही चल गया अब देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे क्या फैक्टर्स हो जाते हैं अब देखिए जब मैंने और नंबर्स को देखना शुरू किया तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी यूज कर लिया और देख लिया फटाफट कि कौन से और नंबर्स हैं जो मेरे गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइज करते हैं तो मेरे को केवल एक ही फैक्टर मिला और एक ही फैक्टर मिला जो कि बता रहा है कि केवल इसके बीच में दो और नंबर हैं जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं और वो हैं थ्री एंड फाइव तो हमारे फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन हो गए वन थ्री फाइव फिफ्टीन चलिए फटाफटअप करते हैं अपना सी पार्ट आप देखिए बच्चों जब हमने 21 की बात करी तो फटाफट कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल्स यूज़ करते हुए हमें ये पता चल गया कि जो हमारे इसके फैक्टर्स होंगे वो यही नंबर्स होंगे तो फटाफट हम इनको भी लिख लेते हैं और देखिए लास्ट हमारा फैक्टर क्या है ट्वेंटी वन तो हमें पता चल गया अब इसके बाद इसका कोई भी और फैक्टर नहीं होगा क्योंकि लास्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर इज द नंबर इट्स तो चलिए इसके भी सारे फैक्टर्स लिख लिए अब हम शुरू करते हैं अपना डी पार्ट डी पार्ट के भी फटाफट सारे फैक्टर्स लिखते हैं अब हम फटाफट डायरेक्ट लिखेंगे तो चलिए शुरू हो जाते हैं सबसे पहले तो वन लिख लिया और लास्ट फैक्टर कहीं ना कहीं हमारा होगा ट्वेंटी सेवन जो कि आप बाद में भी लिख सकते हो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अब मैंने यहाँ लिख दिया टू से डिवाइड नहीं होगा थ्री से जब डिवाइड होगा तो नाइन भी आएगा तो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन ज़ा सेवेंटी सेवन ठीक है अब देखिए फोर से नहीं होगा फाइव से नहीं होगा सिक्स से नहीं होगा सेवन से नहीं होगा एट से नहीं होगा ठीक है नाइन टेन किसी से नहीं होगा नाइन हमने ऑलरेडी लिख लिया तो हमारे इसके फैक्टर्स हो गए वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन अब देखिए क्यों नहीं लिया मैंने ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन भी अगर आप लेंगे तो फोटीन टू जै ट्वेंटी एट हो गया जो कि उससे ज़्यादा हो गया और हमारा नंबर है ट्वेंटी सेवन और थर्टीन टू जा भी ट्वेंटी सिक्स है और ट्वेल्व टूजा भी ट्वेंटी फोर होता तो है ऑब्वियसली उसके और नेक्स्ट मल्टीपल तो इससे बड़े ही आने हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब कोई और फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट दीज फैक्टर्स तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये तो बहुत ही ईजी नंबर है फटाफट हम लिखते हैं देखिए मैंने फटाफट सारे नंबर्स लिख लिए वन ट्वेल्व राइट फोर थ्री जिक्स टू जा राइट अब देख लेते हैं इनके बीच में कोई और नंबर्स हैं जो हमें इसको डिवाइड करेंगे नहीं देखिए सिक्स टी जा ट्वेल्व है तो सेवन टू जा तो फोर्टीन है तो सेवन होगा ही नहीं फाइव ऐसे ही एट भी नहीं होगा और आप मेंटल मैथ से भी पता कर सकते हैं ठीक है तो हम हमारे इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे हमेशा कीजे कि जो आप अपने फैक्टर्स लिख रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो देखिए मैंने इसके भी फटाफट सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए अब हम जाते हैं अपने एफ क्वेश्चन पर फटाफट इसके भी सारे लिखेंगे तो देखिए जैसे ही मुझे अपना लास्ट फैक्टर 20 मिला मैं उसके आगे चेक ही नहीं करूंगी कि इसमें कोई और नंबर भी हो सकता है जो उसको फुल्ली डिवाइड करे ठीक है तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन का जी पार्ट अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस के फैक्टर्स को लिखना तो देखिए बच्चों जैसे ही हमने अपने 18 के फैक्टर्स फाइंड करने शुरू किए हमने शुरू किया अपना वन से तो वन तो होगा ही टू जैसे जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे नाइन आ जाएगा तो टू नाइन जी एटीन हो गया थ्री से करेंगे तो सिक्स आ जाएगा अब हमको इसको क्या क्या फैक्टर्स मिल गए अब देखिए हम यहाँ पे फोर ये करेगा नहीं ठीक है फाइव ये करेगा नहीं सिक्स से करेगा नहीं सिक्स ऑलरेडी हमने लिख लिया है सेवन एट नाइन एंड सो ऑन अब हाँ देखिए आप जैसे ही टेन पर पहुंचे मान लीजिए नाइन तो हमने लिख लिया टेन टूजा ही ट्वेंटी हो गया जो कि बड़ा हो गया एटीन से तो ऑब्वियसली इसके आगे अब इसके कोई फैक्टर्स नहीं आने इसलिए नंबर इट ही अब इसका फैक्टर होगा तो हम सारे के सारे लिस्ट आउट कर लेते हैं तो हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ एटीन तो देखिए फटाफट -पत हमने सारे के सारे फैक्टर्स को लिख लिया अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर अब देखिए ये है हमारा ट्वेंटी थ्री अब आपने जब प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल दो ही फैक्टर्स रखते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं उनके या तो वन जो कि सबको डिवाइड कर सकता है या नंबर इट तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं वन और द नंबर इट्स ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स तो देखिए इसको देखते ही पता चल गया कि ये प्राइम नंबर है तो इसके क्या दो फैक्टर होंगे नंबर इट्स एंड वन इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा अब हम चलते हैं अपने थर्टी सिक्स पर तो देखिए बच्चों हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिख लिए अपने नंबर थर्टी सिक्स अब हम इनको सबको लिस्टिंग में लिख लेंगे तो देखिए बच्चों जब हमने इसके फैक्टर्स लिखे तो जब हमने इनको लिस्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारा दो वर्ड सिक्स आया था सिक्स 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 ज़ा थर्टी सिक्स बट मैंने यहाँ पर केवल एक ही बार लिखा क्योंकि हम जब भी कोई भी रिपीटेड फैक्टर होता है उसको केवल वन टाइम लिखते हैं और ट्राई टू ऑलवेज राइट ऑल द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में लिखिए ठीक है तो सारे के सारे फैक्टर्स हमने इसके भी लिख लिए आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे आम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो बच्चों आम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है राइट right, फाइव फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स अब देखिए मल्टीपल्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही आसान है किसी भी नंबर के हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं अनकाउंटेबल मतलब जिस नंबर से भी हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है तो हम इन्हें शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर वन से वाई वी डोंट टेक ज़ीरो हम जीरो क्यों नहीं लेते क्योंकि जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है ज़ीरो तो जीरो हम नहीं लेते हैं। हम शुरू करते हैं अपने नेचुरल नंबर्स के सेट से और जो कि शुरू होते हैं वन से और हम जितने भी हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं उतने हम नंबर उसमें मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं तो किसी भी नंबर किसी भी गिवन नंबर के अनकाउंटेबल मल्टीपल्स होते हैं अब देखिए यहां पे हमें फर्स्ट फाइव लिखने हैं तो ऑब्वियसली हम शुरू करेंगे अपना वन से अब देखिए अगर आप वन भी लेंगे तो फाइव वनजा फाइव ही आ गया जो कि नंबर है यहाँ पर तो हम फाइव को भी वन को भी नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे टू से और काउंट करेंगे अपने फाइव मल्टीपल्स और जैसे ही फर्स्ट फाइव नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें जो भी नंबर्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट में वो हो जाएंगे उस गिवन नंबर के मल्टीपल्स तो चलिए शुरू करते हैं देखिए अभी तो मैंने यहां से टू से शुरू किया और लिख दिए नेक्स्ट फाइव जो भी नंबर्स थे उनसे मल्टीप्लाई करके आंसर मतलब मल्टीपल्स अब देखिए अगर आप यहाँ पे फाइव भी लिख देंगे वो गलत नहीं होगा क्योंकि फाइव वनजा फाइव आता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फाइव दिया है तो हम उसको इग्नोर करके नेक्स्ट फाइव लिख देते हैं तो देखिए मैंने वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव ही आ जाएगा उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट नंबर्स हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो कि हमारे वन के बाद फर्स्ट नेक्स्ट फाइव नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आया वो लिख दिया ठीक है ऐसे ही हम और क्वेश्चन के भी सारे के सारे आंसर्स फाइंड कर लेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ एट आ गए जो कि हमने वन को स्किप करके लिखे हैं सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू फोर्टी फोर्टी एट दे आर अनकाउंटेबल बट वी आर राइटिंग ओनली बिकॉज क्वेश्चन इज गिवन फर्स्ट फाइव तो हम केवल फर्स्ट फाइव को ही लिख रहे हैं चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीपल्स हमारे आ गए हम इनको फटाफट लिख लेंगे तो देखिए हमको पता चल गया अपने फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ नाइन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो चलिए बच्चों देखते हैं फटाफट हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद द आइटम्स इन कॉलम टू अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया है बस हमें अपना दिमाग मतलब अपना ब्रेन यूज करके पता करना है कि क्या एग्जैक्टली exactly हो सकता है किसका परफेक्ट मैच तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना थर्टी अब देखिए थर्टी फाइव को अगर आप लेंगे तो केवल एक ही इसका सुटेबल आंसर आ रहा है कि ये हो जाएगा मेरा मल्टीपल ऑफ सेवन क्योंकि मल्टीपल ऑफ सेवन क्यों हो जाएगा क्योंकि सेवन फाइव सा थर्टी फाइव है तो पहले का आंसर मेरा हो जाएगा जब हम मैच करते हैं तो यूजली इन एग्जाम आप ऐसे लिखिएगा फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा बी अगर चाहें तो आप आंसर को भी मैंसन कर सकते हैं तो देखिए हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया मल्टीपल ऑफ सेवन अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन ओके वो है हमारा फिफ्टीन अब देखिए सारे के सारे ऑप्शन हम जब यहाँ देखेंगे तो फिफ्टीन हमारा क्या आएगा चलिए देखते हैं आप देखिए 15 में जैसे ही आपने ये सारे कॉलम्स के आंसर देखे कॉलम टू के आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये वाला ही सुटेबल आंसर है क्योंकि 15 जो है वो है हमारा फैक्टर ऑफ 30 तो हमारे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चलिए अब जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर थर्ड क्वेश्चन क्या है 16 अब देखिए 16 से हमारा परफेक्ट मैच कौन सा होगा अब देखिए जैसे ही हमने सारे आंसर्स देखे 16 के लिए परफेक्ट आंसर है मल्टीपल ऑफ 8 तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड का वो हो जाएगा ए क्योंकि एट टूजा सिक्सटी चलिए अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर फोर्थ पार्ट क्या है ट्वेंटी अब देखिए, जैसे हमने कॉलम टू के सारे आंसर्स देखे क्या हो जाएगा बताइए आपके दिमाग में कुछ आ रहा है मेरे तो आ गया क्या होगा फैक्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी खुद को ही डिवाइड कर सकता है तो राइट तो इसका परफेक्ट आंसर होगा अब देखते हैं अपना फिफ्थ वन फिफ्थ वन है हमारा ट्वेंटी फाइव तो देखिए बच्चों सारे के सारे परफेक्ट आंसर्स हमने लिख लिए फ्रॉम द कॉलम टू देखिए पहले का आंसर है मल्टीपल ऑफ सेवन विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एंड सेकंड वन का है हमारा डी फैक्टर ऑफ थर्टी थर्ड वन का है ए मल्टीपल ऑफ एट, फोर्थ वन का है एफ फैक्टर ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ वन का है ई फैक्टर ऑफ फिफ्टी अब देखिए यहाँ पे कहीं कही ना कहीं हमारा जो ये ऑप्शन है ये यूज़ ही नहीं हुआ तो एग्ज़ाम्स में अधिकतर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन या कुछ एक एक्स्ट्रा रॉन्ग आंसर दे देंगे या करेक्ट आंसर दे देंगे दे जिससे कि आप कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और उसके बेसिस पर अपने आंसर्स को लिखना है तो आई होप आपको ये सारा का सारा मैच द फॉलोइंग के पार्ट्स क्लियर हुए होंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड मीन्स जब तक कि हमारा मल्टीपल हंड्रेड के आसपास ना आ जाए तब तक हमें सारे के सारे 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं जैसा कि मैंने कहा आप 1 को भी ले सकते हैं क्योंकि 9 जा 9 इज आल्सो अ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इटसेल्फ ठीक है तो हम उससे शुरू करते तब तक इसके मल्टीपल्स लिखेंगे जब तक कि वो 100 से या तो छोटे और इक्वल ना आ जाए उससे हम ज्यादा नहीं लिखेंगे तो एक्चुअली एक तरीके से हम लिख रहे हैं 9 की टेबल तो चलिए शुरू करते हैं देखिए तो मैंने लिख लिए सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ टाइम बिफोर 100 ठीक है अब 100 से बियॉन्ड तो हमें जाना नहीं है और हमें पता है जैसे ही हम ट्वेल्व नाइन्जा लिखेंगे या नाइन ट्वेल्वजा लिखेंगे तो वो 12 ट्वेल्व नाइन्जा क्या होता है हंड्रेड एंड वो बड़ा हो जाएगा हमारा 100 से तो हमारे जितने भी मल्टीपल्स हैं अप टू 100 वो यहाँ तक हो जाएंगे आई होप आपको ये बहुत ही आसान था अच्छे से क्लियर हुआ होगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो बच्चों अब हमने अपनी फिनिश कर ली है एक्सरसाइज 3.1 अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन तो फटाफट देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ए पार्ट ऑड नंबर्स एंड बी पार्ट इवन नंबर्स तो देखिए सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन एंड सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज आल्सो इवन अब चलिए इसको कुछ एग्जांपल से भी मैं आपको समझा दूंगी तो चलिए ये तो था आंसर अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो देखिए यहां पर मैंने अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं वो नंबर्स जो अपने फर्स्ट प्लेस यानी कि वंस प्लेस पर जीरो टू फोर सिक्स एट डिजिट होते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स और जो नंबर्स की वंस प्लेस डिजिट होती है वन थ्री फाइव सेवन नाइन उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स और हमारे वन डिजिट इवन नंबर्स हैं जीरो टू फोर जीरो तो नहीं लेते हैं टू फोर सिक्स एट क्योंकि कोई भी नंबर बट अगर आता है हमारा जीरो के साथ तो वो हो जाता है हमारा इवन नंबर ठीक है ऐसे ही हम लेते हैं अपने ऑड नंबर्स तो ऑड नंबर्स हमारे वन डिजिट क्या है वन थ्री फाइव सेवन नाइन ठीक है अब देखिए मैंने यहाँ पर वन डिजिट का टू ऑड नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया और टू डिजिट्स का टू ऑड नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया दोनों ही केस में हमारा सम जो है वो इवन आया ऐसे ही आप थ्री डिजिट फोर डिजिट के नंबर्स को भी लेके कर सकते हैं अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट पर तो चलिए कोई भी टू इवन नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है देखिए सारे केसेस पर मैंने जब इवन नंबर्स के कॉम्बिनेशन लिए तब भी हमारा आंसर जो आ रहा है मतलब सम आ रहा है वो आ रहा है हमारा इवन नंबर तो आई होप ये दोनों ही पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन कोई कंपलसरी नहीं है अगर आप थ्री ऑड नंबर्स ले रहे हो वो इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से पहले तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं थ्री ऑड नंबर्स सपोज थ्री फाइव एंड सेवन तो देखिए हमारा सम आ गया फिफ्टीन जो कि एक ऑड नंबर है राइट right? सिमिलरली ले लेते हैं एक और कोई एग्जाम्पल चलिए ले लिया मैंने देखिए जब भी मैंने थ्री ऑड नंबर्स लिए मेरा दोनों ही केसेस में आंसर आया ऑड नंबर ठीक है तो ये आंसर हो गया हमारा फॉल्स तो सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन हमारा है फॉल्स मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया चलिए अब करते हैं अपना बी पार्ट बी पार्ट है द सम ऑफ टू ऑर्ड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन देख लेते हैं करके तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा टू ऑर्ड नंबर और वन इवन नंबर का अब फटाफट -फट देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है तो देखिए हमारा आ गया यहाँ पर सम ऑफ टू ऑर्ड नंबर एंड इवन नंबर इज इवन चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें मैं ऑर्डर भी चेंज कर दूंगी चलिए यहां पर मैंने ले लिया ट्वेल्व तो देखिए इस केस में भी हमारा आंसर आ गया इवन तो ये हो गया हमारा ट्रू ठीक है अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट पर द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड तो चलिए ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखिए मैंने तीनों ही ऑड नंबर्स लिए और मेरा प्रोडक्ट भी क्या आया एक ऑड नंबर आया है ना चलिए एक और ले लेते हैं इस केस में भी हमारा आंसर क्या आया ऑड आया तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ थ्री और हमारा ट्रू चलिए अब हम लेते हैं अपना डी पार्ट इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई टू इज ऑलवेज ऑड नॉट कंपलसरी चलिए देख लेते हैं एग्जांपल से हमने लिया इवन नंबर ट्वेल्व जो कि ट्वेल्व से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया एक इवन नंबर सिमिलरली एक और ले लेते हैं तो देखिए दोनों ही केस में हमारा आंसर आ गया इवन नंबर तो ये हो गया हमारा फॉल्स आई होप आपको ये चारों के चारों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर तो चलो बच्चो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू के नेक्स्ट पार्ट्स को ठीक है तो चलिए ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड ये तो पक्का ही फॉल्स है क्योंकि आपने ये जब प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे तब ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि टू इज एन इवन नंबर बट एक्चुअली इट इज अ प्राइम नंबर तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर जो है तो देखिए जो हमारा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो नंबर्स जो कि केवल वन से या खुद से डिवाइड होते हैं तो टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया इवन फॉल्स ऑल प्राइम नंबर्स आर ओट। ठीक है अब हम आते हैं अपने एफ पर प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर इट इज ऑल्सो फॉल्स अब ये क्यों है फॉल्स देख लीजिए हम कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं मान लीजिए मैंने ले लिया ट्वेंटी थ्री इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे तो देखिए ये भी हमारा फॉल्स हो गया क्या फैक्टर्स है हमारे प्राइम नंबर के वन एंड ट्वेंटी थ्री ठीक है अब चलते हैं अपने जी पार्ट पर सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन लेट्स चेक तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन लिए जिनको हमने चेक किया तो टू प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन इस केस में ये इवन आया इस केस में भी ये even आया पर हमने जब ये वाला केस लिया जिसमें दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं और इनको ऐड किया तो ये ऑड आ गया तो इट कैन बी इट कैन नॉट बी ऑलवेज इवन और नॉट इवन ठीक है तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स क्योंकि ये या तो आ भी सकता है इवन या ऑड भी आ सकता है ठीक है चलिए अब करते हैं अपना एच पार्ट टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर ये तो मैंने अपने पहले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू तो चलिए सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थ्री द नंबर्स थर्टीन एंड थर्टी वन आर प्राइम नंबर्स बोथ दीज नंबर्स है फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू हंड्रेड अब देखिए हमें ऐसे नंबर्स का पेयर पता करना है जो कि दोनों ही डिजिट्स को लिए हुए हों जैसे कि यहाँ पर भी वन थ्री है और जब हम ऑर्डर चेंज करें तो जो नंबर बने वो भी हमारा थ्री वन का ही कॉम्बिनेशन हो तो चलिए ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे अप टू हंड्रेड लिख लेते हैं एक है हमारा सेवनटीन सेवन को जब आप रिवर्स करोगे तो हो जाएगा सेवनटी वन तो देखिए कोई और डिजिट्स यूज नहीं हुई है दूसरा देखते हैं तो देखिए बच्चे हमारी जैसे कि थर्टीन में केवल थ्री और वन हो रही थी ऐसी देखिए यहां पे सेवनटीन में जब हमने ऑर्डर चेंज किया डिजिट्स का ये हो गया 71. सिमिलरली 37 में भी ऑर्डर चेंज किया 73, 79 का भी हो गया हमारा 97. तो अप टू 100 हमें ऐसे कितने पेयर मिले थ्री पेयर्स मिले आप अगर और भी फाइंड करना चाहते हैं तो आगे जा सकते हैं हंड्रेड से और आगे और देख सकते हैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि सेम डिजिट्स ही लिए हुए हैं जबकि हमने उनको रिवर्स में चेंज किया तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन ट्वेंटी अब देखिए आप प्राइम नंबर्स के बारे में तो अभी इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया ही था चलिए फटाफट अगर आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल टू ही फैक्टर्स होते हैं और वो होते हैं वन जो कि सबका फैक्टर एंड द नंबर इट कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं वो क्या है कि अपार्ट फ्रॉम वन और द नंबर इट उसके कोई और भी नंबर्स होंगे जो उसको डिवाइड कर पा रहे होंगे तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कम्पोजिट नंबर्स अब चलिए फटाफट लिख लेते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और कम्पोजिट नंबर्स जो कि आते हैं लेस देन ट्वेंटी तो चलिए लिखते हैं याद रखिए वन जो है वो ना इधर प्राइम है नॉर कम्पोजिट है वो एक यूनिक नंबर है तो ना ही हम उसको प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही हम उसको कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं तो देखिए हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो लेस देन ट्वेंटी में हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन सिमिलरली कंपोजिट नंबर्स हैं फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा आम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलिए बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन वन एंड टेन अब देखिए आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स पता हैं 1 से टेन के बीच में वो क्या क्या है हमारे टू थ्री फाइव सेवन एंड उसके बाद हमारा आता है डायरेक्टली बिगर देन टेन वो है हमारा इलेवन ठीक है तो अब हमारा सबसे बड़ा वन टू टेन के बीच में क्या हो गया प्राइम नंबर तो लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन वन टू टेन इज सेवन सेवन एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि वन टू टेन के बीच में सबसे बड़ा है आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू प्राइम्स अब देखिए हमें जो दो नंबर लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि उनका सम तो ये आए लेकिन कंडीशन क्या है कंडीशन है कि वो दोनों के दोनों ही ऑड हो और प्राइम भी तो चलिए अगर हमने मान लीजिए पहला नंबर लिया 30. अब हमें देखना है कि दूसरा नंबर क्या होगा तो दूसरा नंबर हमें हमें कैसे फाइंड हो जाएगा सम चाहिए पहला नंबर नंबर है तो दूसरा उसमें ऐड करना पड़ेगा वो कैसे पता चल जाएगा यहाँ से पता चल जाएगा हमको ठीक है मैंने क्या किया जो पहला नंबर लिया वो तो एक तो ऑड भी है और प्राइम भी है उसके बाद मैंने दूसरा नंबर यहाँ से फाइंड किया अब देखिए ये मेरा ऑड भी है और प्राइम भी है तो ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो देख लेते हैं इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आ गया 44 तो देखिए ऐसे आप जरूरी नहीं कि यही दो नंबर लीजिए आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं लेकिन याद रखिए कि दोनों ही नंबर ऑड प्राइम होने चाहिए और उनका सम क्या आना चाहिए फोर्टी तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट तो चलिए बच्चों हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्टी सिक्स अब देखिए मैंने पहला नंबर लिया मान लीजिए सेवनटीन अब देखिए मैं दूसरा नंबर कैसे फाइंड कर सकती हूँ अब देखिए ये है मेरा ऑर्डर प्राइम दोनों यस तो हम इसको ले सकते हैं और मेरा आंसर आ गया थर्टी सिक्स अब देखिए मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सम थर्टी सिक्स है और दोनों ही मेरे नंबर्स ऑड और प्राइम है तो देखिए ये भी बहुत आसान हो गया चलिए अब करते हैं अब इसका सी पार्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 तो 24 को देखिए पहला ऑड नंबर मैंने ले लिया मान लीजिए जो कि प्राइम बी है सेवन मैं दूसरा कैसे पता चल जाएगा तो देखिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सम आ गया 24 और दोनों ही जो नंबर हमने ऐड किए हैं वो है हमारे ऑड प्राइम नंबर्स तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आम चलते हैं डी पार्ट पे अब डी पार्ट पे देखिए इसमें हम ले सकते हैं ऑड प्राइम लेने हैं ठीक है तो देखिए मान लीजिए मैंने लिया ऑड प्राइम थ्री ठीक है अब देखिए एटीन आएगा 15 जो कि नहीं है हमारा प्राइम नंबर ये ऑड है बट ये प्राइम नहीं है तो इसलिए मैंने पर्पजली यहाँ पे लिया है ऐसा नंबर ताकि आपको समझ में आ जाए हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए वो ऑड भी होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए तो ये ऑड है पर ये प्राइम नहीं है तो ऑब्वियसली हम थ्री नहीं ले सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो देखिए मैंने पहला प्राइम लिया, 7 और दूसरा लिया इलेवन दोनों ही और, प्राइम नंबर है दोनों को ऐड किया हमारा कॉम्बिनेशन का आंसर आ गया 18. तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेवन गिव थ्री पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू अब देखिए आपने ऐसे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को भी पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस टू आता है उनको हम क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम्स नंबर राइट तो देखिए फटाफट हम कोई भी ऐसे थ्री पेयर्स लिखेंगे जिनमें से हम बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आना चाहिए टू तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं अब मैं लिख लेती हूँ सेवन एंड फाइव अब देखिए आप कहेंगे कि थ्री फाइव भी ले सकते थे ले सकते थे बिल्कुल ले सकते थे आप वो भी लिख सकते हो क्योंकि डिफरेंस आना चाहिए आप देखिए एक और ले सकते हैं क्या है हमारा तो देखिए वैसे तो मेरे थ्री पेयर्स हो गए हैं एक और आपको बता देती हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए तो देखिए एक और लिख दिया मैंने जो कि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस है टू ऐसे नंबर्स जिन जो कि हमें टू का डिफरेंस देते हैं और वो प्राइम नंबर्स भी होते हैं उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम तो अब आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो पक्का क्लियर हो ही गई होगी अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं चलिए तो चलो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन लिया पहला क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री के हमारे केवल दो ही फैक्टर्स हैं वन एंड ट्वेंटी थ्री और ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं नंबर इट सेल्फ एंड वन उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर तो ट्वेंटी थ्री होगा हमारा प्राइम नंबर सिमिलरली बी के हमारे मोर देन टू फैक्टर्स हैं वो हैं वन थ्री सेवनटीन एंड फिफ्टी वन तो फिफ्टी वन हो गया हमारा नॉट अ प्राइम नंबर सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ थर्टी सेवन भी हमारे हैं केवल दो ही फैक्टर नंबर एंड वन नंबर इट सेल्फ एंड वन तो ये भी हो गया हमारा प्राइम नंबर ट्वेंटी सिक्स के हमारे जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो ट्वेंटी सिक्स हो गया हमारा नॉट अ प्राइम

Nine, ये नंबर हैं। कंपोज़िट नंबर्स लिखने हमें जो कि लेस देन हंड्रेड हो मतलब उनके बीच में एक तो कंटिन्यूटी हो जिसकी वजह से वो कैसे आएगी कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो और वो लेस देन हंड्रेड हो तो देखिए कौन से ऐसे नंबर हमारे तो देखिए ये सारे के सारे वन आफ्टर दी अदर आ रहे हैं तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो कंपोजिट भी हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो चलिए हमें पता चल गया कि कौन से हमारे सेवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि लेस देन हंड्रेड है अब चलते हैं अपने हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम अब देखिए हमारा सम तो आना चाहिए कि जो भी ए बी सी डी पार्ट में नंबर्स गिवेन है और कंडीशन क्या है कि वो जो तीनों हैं वो ऑट प्राइम्स होने चाहिए तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं पहला नंबर लिया मैंने थ्री दूसरा लिया सेवन सो सेवन प्लस थ्री हो गया टेन अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे जो हमारा ट्वेंटी वन आ जाएगा इलेवन तो देखिए तीनों ही नंबर मेरे ऑड प्राइम नंबर्स हैं और सम आ गया मेरा उनका गिवन नंबर ट्वेंटी वन सिमिलरली हम करेंगे बी पार्ट तो देखिए बच्चों और भी मैंने नंबर्स थिंक किए और उनको फटाफट लिख लिया यहाँ पर भी देखिए मैंने लिया पहला नंबर सेवनटीन दूसरा लिया थर्टीन तो थर्टीन प्लस सेवन मुझे पता चल गया कि ये तो हो गया ट्वेंटी अब देखिए मुझे एक ऐसा नेक्स्ट ऑट प्राइम नंबर सोचना है जिसको ऐड करती थर्टी बना आ तो मेरा आ गया इलेवन तीनों ही मेरे हैं ऑट प्राइम नंबर्स और जिनको ऐड करने पे आ गया थर्टी वन सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखिए सोचते हैं पहले हमने थर्टीन ले लिया सेवनटीन दोनों ही ऑट प्राइम नंबर्स है अब इनका ऐड क्या आ गया इनका ऐड आ गया मेरा थर्टी uh, थर्टी में मुझे क्या और ऐड करना चाहिए जिससे कि ये ऑर्ड uh, प्राइम नंबर भी हो और जिससे कि हमारा सम आ जाए फिफ्टी थ्री तो मुझे फटाफट चला पता चल गया फिफ्टी थ्री माइनस थर्टी से कि मुझे यहाँ पे ट्वेंटी थ्री ही ऐड करना चाहिए तो देखिए यहाँ पर मेरा आंसर आ गया तीनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं और सम आ गया 53 सिमिलरली 61 में देखिए 13 प्लस ट्वेंटी एंड प्लस नाइनटीन सारे ही ऑड नंबर हैं और जब मैंने इनको ऐड किया और ये प्राइम नंबर भी जब मैंने इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 61। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे आम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन ट्वेंटी हु इज डिविज बाई फाइव अब हमको ऐसे फाइव पेयर्स बनाने हैं जिनको जब हम उन दो पेयर को लें मतलब उन दो नंबर्स को लें तो वो एक तो प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनका जो कंडीशन है वो होना चाहिए कि वो लेस देन ट्वेंटी भी होने चाहिए हमें ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं प्राइम नंबर्स के जो लेस देन ट्वेंटी हो और जब उन्हें ऐड करें तो आंसर आए हमारा जो भी वो होना चाहिए फाइव से डिविजिबल तो देखिए पहला नंबर हो जाएगा हमारा पहला पेयर मैंने लिया टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव तो देखिए मेरे दोनों ही प्राइम नंबर है लेस देन ट्वेंटी है और जो सम आया वो डिविजिबल बाई फाइव है चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं तो देखिए मैंने सारे ऐसे कॉम्बिनेशन लिख लिए मतलब पेयर लिख लिए प्राइम नंबर के जो कि लेस देन ट्वेंटी हैं और उनके सारे जो सम करने की वैल्यूज आ रही हैं वो सब की सब फाइव से डिविजिबल हैं तो देखिए पहला पेयर हो गया टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव सेकेंड है हमारा थर्टीन प्लस सेवन इक्व टू ट्वेंटी से थर्ड है सेवन प्लस थ्री इक्वल टू टेन फोर्थ है इलेवन प्लस नाइनटीन इक्व टू थर्टी एंड सेवन प्लस थर्टीन इक्वल्स टू ट्वेंटी जो कि फिफ्थ है आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर हमारा ब्लैंक्स। टू फैक्टर इज कॉल्ड बहुत बार रिपीट किया है तो फटाफट लिख देते हैं प्राइम नंबर ठीक है अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर ये भी मैंने आपको कई बार रिपीट किया है आप देखते हैं वन इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ये भी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज क्या होगा टू नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर क्योंकि वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कम्पोजिट टू इज एन इवन नंबर बट इट इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके हमारे मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं तो वो शुरू होता है हमारा फोर से अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज वट इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर आई होप okay? ये सारे के सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे आम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर तो बच्चों आज हमने अपने चैप्टर नंबर थ्री प्लेइंग टू पूरी की पूरी फिनिश कर ली है आई होप की आपको ये अच्छे से समझ में भी आई होगी अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न ओ ही है बट बेस्ट है Thank you.